अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो है मैं कराची जा रही हूँ रात में, और अली मुझे इंशाल्लाह कल ज्वाइन करेगा। सो, मैं जा रही हूँ ईद के लिए, और ईद के पहले दिन ही मैं वापस आ जाऊँगी, बिकॉज़ रात में हम लोगों के घर पे यहाँ डिनर है। तो मैंने सोचा कि बस थोड़ा सा ईद का पहला दिन वहाँ गुजार के, ओरिजिनली मेरा प्लान था कि मैं सेकेंड डे जाऊँगी और थर्ड डे वापस आऊँगी, और फिर 26 को अराउंड फोर्थ फिफ्थ डे मेरी फ़्लाइट है, तो बहुत हैप हैज़र्ड हो जाता, और ऊपर से मेरे कज़न्स भी आ रहे हैं। प्रॉबली आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू सी देम, बिकॉज़ उनकी 22nd की फ़्लाइट है, और 22nd को अगर ईद हुई तो ठीक है, अगर 21st को हुई तो फिर 21st को ही हम वापस आ जाएंगे। सो लेट्स सी। तो आज जो है मेरी फ़्लाइट है रात में 10 बजे की, और अभी कोई 4-4:30 बजे, एंड आई स्टिल हैव टू मेक द गिव अवे वीडियो फॉर यू गाइज विच इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग। तो मैंने सब तैयार करके रख दिया है, इंशाल्लाह हम लोग कर लेंगे पुल अलॉन्ग। और इफ्तारी जो है, आज मुझे नैंडोज़ खाने का दिल चाह रहा था, तो आई सेड टू अली कि चलो अली नैंडोज़ लेके आते हैं इफ्तार के लिए सबके लिए। और अम्मा जो है वो बिरयानी बना रही हैं बांटने के लिए आज मोहल्ले में, और हमना ने उस दिन जो है टॉफ़ी स्टिकी डेट टॉफ़ी पुडिंग बनाई थी, तो मेरी अम्मी को बहुत पसंद है, तो मैंने हमना से बनवाई है कराची लेके जाने के लिए। तो शी हैज़ मेड लिटिल केक्स, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। बिरयानी कहाँ तक पहुँची वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, तो चले चलते हैं। Also, I am wearing another one of Elysian's outfit, जिस जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था, and I love this color. देखें जी, and the fit is so nice, very nice. सोच रही थी कि चिकनकारी के बहुत सारे outfits बनवाऊंगी, but सिले सिलाई माशाल्लाह से इतने reasonable और अच्छी fitting और quality के मिल गए, सो क्या ज़रूरत है भाई ख्वारी करने की। ये हमना के भाई स्टिकी डेट फिटिंग्स हैं, ये केक्स हैं, इसकी सॉस है, और ये अम्मा की तैयार है, वो हमना ने पैक करके रखे हुए हैं मेरे लिए। भाई अम्मा ने बिरयानी बनाई है बांटने के लिए, और मैंने जो है अलग से अपनी प्लेट बना के चुरा लिए मैंने एक प्लेट, और ये जो है कराची के लिए भी तैयार हो गए। कहाँ गई, मैंने अभी तो आपको दिया, ये तो नहीं, हाँ कराची के लिए भी तैयार हो गई है एक, ये भी मेरा नहीं, नहीं, ये तो ले जाओ। चले जी इफ्तारियाँ बांटने का टाइम आ गया है, इफ्तारियाँ नहीं बिरयानियाँ, और ये जो है अली हमज़ा। हेलो गाइस, लेट्स बांट टू फाइव। स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट सामने दूध वाली आंटी से करते हैं। हे भाई, डन विद इफ्तारीज, खाली ट्रे, गोइंग बैक, और अब 15-20 मिनट ही रह गए हमारी अपनी इफ्तार में। सो नैंडोज तो हम नहीं जा सके, कज़ इफ्तारियाँ बांटती थी, टाइम नहीं मिला, बट बिरयानी जो बनी हुई इतने मज़े की हम वही खाएंगे। डैडी वही कहीं इफ्तार पे गए हुए हैं, तो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं आज, और अम्मा पता नहीं आज जलेबियाँ समोसे क्या क्या ले आई हैं बाहर में, मोहल्ले से भी इफ्तारी आई हुई है। ये कोई एक किस्म के चावल हैं, ये कोई दूसरे किस्म के चावल हैं, ये तो कोई तीसरे, ये डब्बे में तो हमारी अपनी है ना, इस डब्बे में हाँ हमारी अपनी है। सासू माँ क्या लग रहा है आपको, कैसी बनी होगी बिरयानी? पता नहीं, मैं तो वो शक्ल से तो अच्छी लग रही है, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है, नसरीन कह रही बहुत अच्छी बनी है, तो बस फिर अच्छी होगी। आपने कभी कुछ बुरा बनाया? बुरा नहीं किया। इस अम्मा जो है ना, जब टेंशन में आती है ना, ये अम्मा को कुकिंग की या डिलीवर करने की एंजाइटी होती है, तो अम्मा जो है ना, अम्मा से ना सब दूर दूर रहे, फिर अम्मा हर किसी को बचा जाए, जो मेरे को भी डांट पड़े। हाँ सीरियसली, फिर तो मैं आज तो डिवोर्सन वाले लड़के को भी इतनी अम्मा से डांट पड़ी है, वो अम्मा ने बोला भाई रोजे का टाइम था, उसको रोजा लग रहा होगा, वो ढीला ढीला होके काम कर रहा था, जल्दी निकाल के दो, क्या कर रहे हो, इफ्तारी का टाइम होने वाला है। लेकिन खामखा की अम्मा टेंशन लेनी थी, इतने मजे की पुलाव बिरयानी बनी है, ये देखें, वेरी वेरी नाइस। वैसे तो हमेशा ही अच्छी बनती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही अच्छी बनी है। जी इफ्तारी हो गई है, इट इज़ 7:15 नाउ, टाइम टू पैक। मेरी बेचारी अम्मा को बहुत तंग किया है हमने, मैं तो सच समझी थी बहुत ही तंग किया हम लोगों ने, अम्मा की बिरयानी की बुराइयाँ की हैं, मजाक में आई, वो बहुत मजे की आपकी नहीं अच्छी, मेरी का अच्छा वाकई। अम्मा बेचारी बहुत सैड हो गई थी, लेकिन चले टाइम में 10 चले पैकिंग शुरू करते हैं। केस आ गया है मेरे ईद के कपड़े पहले दिन के, और ये जो है मेरी कमीज फट चुकी है, मैं बाहर गई थी तो गोल्डी चढ़ गई मेरे ऊपर, उसने फाड़ दिया, तो नाउ आई एम गोइंग टू चेंज बिफोर लीविंग, एंड आई फील सैड बिकॉज आई रियली 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 वांटेड टू वेयर दिस, बट चलें जो अल्लाह की मर्जी। जी कॉफ़ी शुरू हो गई है,
जल्दी होती है। ऑल सेट टू गो। अम्मा ने मूड आंटी से बात करनी है फोन पे। और नसरीन मेरे लिए पिने ढूंढ रही है मेरे बाल बनाने के लिए, फिर से मिल गई। चलो एक साइड हो गई है, नाउ टाइम फॉर दिस टू गो बैक। अली भाई बोल रहा है कि ये वाले बाल ना बनाया करो, तुम फाइव क्लास की बच्ची लगती हो। और अम्मा बोल रही हैं कि बहुत अच्छे लगते हैं। तो भाई किसकी बात हम सुनेंगे, हम अम्मा की बात सुनेंगे। 8:30 हो गए हैं एंड इट्स टाइम टू लीव। बूनी साहब भी अंदर आ गए हैं। ये मुझे जल्दी जल्दी करके खुद देर कर रहा है। इन अदर न्यूज़ आई चेंज माई आउटफिट और मैंने फिर से वही लीसियान का पहन लिया आउटफिट इन अनदर कलर। अम्मा हमना को तो सबसे अच्छा ये लगा है मिर्च पे। चले जी, इसने कपड़े फाड़े नहीं। गोल्डी तुमसे मैं नाराज हूँ। बेचारी आ गए हैं हम जी न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल। इतने क्यों झटके मार रहे हो? एयरपोर्ट एंड इट इज 8:53 राइट ऑन टाइम। हाई फाइव टू माय ऑलवेज ऑन टाइम हस्बैंड इवन व्हेन यू आर नॉट ऑन टाइम। Yes, I am still on time. Hey, hello, Fizz. See you tomorrow. Bye-bye. तो चेक इन करके आई हैव मेड इट टू द गेट। और इतना खाली खाली एयरपोर्ट हो रहा है आई थिंक रमज़ान की वजह से। एंड आई एम जस्ट कॉन्टम्पलेटिंग हाउ मच वी ट्रैवल अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अब एयरपोर्ट पे आके जो ना एक वो फीलिंग आती थी ना कि हाँ आप कहीं ट्रैवल करें, वो मुझे आती नहीं। मुझे लगता है सिर्फ रेगुलर जैसे किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाते उस तरह से। किसी रेस्टोरेंट में आ गए और मैं सोच रही हूँ कि आज 18th हो गई है तो 21st या 22nd तक वील बी बैक एंड देन इंशाल्लाह 26th को आई विल बी ट्रैवलिंग अगेन। और मतलब इट्स ओनली अबाउट 4 months इंटू दिस ईयर एंड दिस इज़ आर सेकेंड इंटरनेशनल ट्रिप ऑलरेडी। और डोमेस्टिक तो आई डोंट इवन थिंक आई कैन काउंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह बट इट डज़ गेट अ लॉट एट वन पॉइंट। बट देन अगेन यू नो माँ बाप हैं, ऊपर से ख़ास तौर पे जब आपके कोई भी एक पेरेंट बीमार हो तो फिर तो यू नो लाइक दिल ही नहीं लगता घर पे आपका। तो आई जस्ट वांट टू यू नो कीप गोइंग बैक एंड फोर्थ टू देम एंड जस्ट कीप सीइंग हिम एज मच एज आई कैन। तो अल्लाह मालिक है, देखते हैं होपफुली ऐसा ही रहे। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर अ सपोर्टिव हस्बैंड, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर सपोर्टिव इन लॉज। यू नो जितना शुक्र अदा करें कम है। आई नो लॉट ऑफ पीपल डोंट गेट टू हैव दिस। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1000 times। गाइस ये बहुत ही सैड है बट इन लोगों को लग रहा था अली भी आ रहा है एंड उन्होंने सोचा जरा क्रॉस सरप्राइज कर लें बट ओप्स। आर यू सैड? हाय हाय शागी, आई एम शॉक्ड। व्हाई शॉक्ड? बिकॉज़ आई वाज डेड श्योर ही इज कमिंग। क्योंकि मैं हर दफा हमारे बोल रही थी इसलिए मुझे आदत हुई भी है बोलने की। मैंने कल आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी ना इसलिए। अभी भी मेरा दिल कह रहा है शायद आ जाए। हेलो ईमान, मुझसे तो ना, मैं तो आ गई ना, है ना? मैं तो आ गई ना। मेरी ठंडक ठंडक ईमान को पिज्जा रोल्स चाहिए थे। बस ईमान, देयर आर डजन। देन देयर ऑल माइन। नो देयर नॉट ऑल योर। आई हम सब खाएंगे, हम सब। अली को रिलैक्स अली को बोलो नहीं भिजवा दे और ठीक है लेके आ जाए। और ओके प्लीज यस, ये ले जी मम्मा विद हर इंडक्शन चूल्हा। इससे पहले कभी यूज किया आपने? वाटर पे करो ना, वाटर बॉईल करना है। इससे पहले यूज किए? हाँ
महंगा है ना, दिस इज इतनी सारी भेज दी है। ट्राई करें, बटर स्कॉच सॉस एक्स्ट्रा भी है अगर कम पड़े। दिस इज माई फेवरेट डिजर्ट। यूके में मैं और अनी हमेशा मार्क्स एंड स्पेंसर की टॉफी पुडिंग खाते थे। बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी सॉस और भी है, और गरम करके खाएं तो और मजा आएगा। यही मैं कहने वाली थी। सॉस एक्स्ट्रा स्वीट। मेरी मम्मा को उनका ड्रेस दे। मम्मा इधर आए, पहन के दिखाना पड़ेगा। अभी 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 पिज्जा रोल्स बनाए। अभी कैसे बनाओगे? अभी मम्मा का वो चल रहा है मान, वो गैस नहीं आ रही। अभी पहन के दिखाएं राइट नाउ, या सो वी कैन गेट द साइज चेंज और समथिंग चेंज इफ यू डोंट लाइक इट। ओके, वैसे ही आ गया यहां कराची वाले। हां तो बस जल्दी से ट्राई करें। अच्छा उतार लो, लेकिन इसी के फ्राइंग पैन में डालना। हेलो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मेड फुट। नबिया नहीं करो ना उनको सही तरीके से, दुल्हन क्यों बना रही हो? छोड़ो नबिया, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, नजर उतार लें। बस बहुत ही प्यारा लग रहा है, लग रहा है आपके लिए बने। पहले दिन पहनना होगा, पहले दिन ही पहनूंगी। ओके डन। तो आप ऐसे ही जो भी आपने मेकअप किया हुआ ऐसा तैसा, उसी में इतनी फेस्टिव लग रही है माशाल्लाह। गाइस ये आते ही जो है इंडक्शन चूल्हे पे पिज्जा रोल बनना शुरू हो गए। मम्मा जरा एक कमर्शियल शूट करेगा, मेरा फोन घूम गया। बोलिए हल्दी का कमर्शियल शूट करें। नहीं सर, मेरा जर्दा अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा सूट की वजह से मेरा फोन घूम गया। पकड़ो, हमारे पिज्जा रोल बन रहे हैं, आप खाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं इतनी फुल हूँ, जब मैं पार्लर से आई हूँ ना रात में, और इनको पिक करके मैंने, और मैंने इसे एक यूं करके खीर दी तो कहती है मैं डाइट पे हूँ, हालांकि चार खा के। अच्छा मैं बोलूँ क्या? कहती है, मैंने कहा माँ खीर चाहिए, कहती है हाँ खीर ला दो, लेकिन मैंने कहा माँ पूरी या आधी? कहती नहीं आधी, पूरी बिल्कुल। मम्मा हमेशा यही करती है, केएफसी के साथ मैंने यही किया था। मैंने कहा ठीक है आधी, मम्मा ने वहां से आधी खाई और नहीं मंगवाई। थोड़ी देर बाद मैं किचन में आई, आधी यहाँ प्याली पड़ी हुई थी और एक वहां डस्टबिन में पड़ी हुई थी। झूठ बोल रही है। गाइस मैंने ये पिज्जा रोल्स बनाए आज, एंड जस्ट लुक एट देम, द क्रंच, द क्रिस्प, द रेसिपी विल बी आउट सून, एंड गेस हू, ईमान इधर देखो जरा क्या खा के आई हो, और माथे पे भी लगाया साथ में। ईमान प्लीज एक फोटो। मलाइका मैम, मलाइका मैम, मलाइका मैम, मलाइका मैम, मलाइका मैम, मलाइका मैम। गाइस हम लोग पॉपी और बेला को मेरा मम्मा वॉक करा के आ गए हैं, और अब बेली जो है वो मेरी गोदी में बैठ गई ऐसे टुन टुन, पॉपी साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं। मम्मा अपने ही ड्रामे का ट्रेलर देखे जा रही हैं बार बार। चले ना बार बार, चलो। गाइस मैंने ना थर्स्टी का हैक ढूंढ लिया है, नेस्ले की जो स्पार्कलिंग पीच ड्रिंक होती है ना, उसमें थोड़ा सा काला नमक डालें, इट इज़ जस्ट लाइक थर्स्टी। एंड प्रो उसका ये है कि आपको उसकी कैलोरीज भी पता है, तो आप ट्रैक करके भी पी सकते हैं। सो हम लोग जा रहे हैं शेल के पेट्रोल पंप टू गेट थर्स्टी, एंड आई एम ड्राइविंग माई ब्यूटिफुल ओल्ड कार। नो, पहले मेरी बात सुन रहे हैं, हम एक चैलेंज करेंगे जिसमें हम सबकी साइड आई को रेट करेंगे। ओके, माई ब्यूटिफुल कार, माई ओल्ड कार, my new car is better but I miss this one sometimes to my pishy colored car. It's always hum aa gaye hain shell, pichli dafa nabia aayi thi, is dafa mano aayi hai, cheesecake khana. When you're shopping with your mom and your mom's paying the bill, Mama? You buy lint. Chalen ji, now time for namaz. Chadri jab maine apne liye mangwayi thi to mamma nabia iman sabke liye bhi mangwayi thi. These are by a page on Instagram called Let's Cat Nap, LetsCatNap, Let's Cat Nap. और ये इस तरह की हैं,
उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट प्रिंट्स मंगवाए थे सबके लिए, और एक हया के लिए भी मंगवाई है मैनचेस्टर लेके जाने के लिए। चले जी, सहरी का टाइम हो गया है। अभी मैं ऊपर थी तो एकदम से मुझे मैसेज आया कि फजर टाइम, एंड मैं डर गई। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो इस्लामाबाद का है। मम्मा मेरे लिए शामी कबाब बना रही हैं जो उन्होंने खुद बनाए हुए, बीफ के बहुत मज़े के मम्मा बनाती हैं। इसकी रेसिपी दिया आपने, रेसिपी उनके चैनल पे है, द बेस्ट बीफ होममेड शामी कबाब एवर। वैसे नहीं लग रहे पहले जैसे। पीच माल्ट, और ये मेरी सहरी। ऐसे सारे कबाब मेरे नहीं हैं, सिर्फ दो मेरे, दो डैडी के हैं। और मैंने अम्मा को बोला था कि मुझे पराठा नहीं खाना, बट उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे पराठा भी बना दिया, तो चलें नहीं मना कर सकते, सो खाना पड़ेगा। गाइस ये देखिए नबिया क्या खा रही है सहरी में, छोटी सी जिन्नी लग रही हो। रामेन इस्लामाबाद में जो कौन सी नाउ यू गोना अप्लाई यूरिन टू योर फेस वाली? नहीं, एक बंदा स्टिंग की बोतल में यूरिन सैंपल लेके जा रहा होता है, और वो फोन पे फोन आता है तो वो किसी बंदे को पकड़ा था, भाई तुम्हें पकड़ना सकता है एप्पल जूस है, तो वो पी के One likes the namaz chadars I send them. बहुत मैं मम्मा गई थी, मुझे उसमें नमाज पढ़ते हैं उसको पूरा दिन नहीं पहनते, उस पर लग जाती हैं चीजें। इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, मैंने यही सोचा था आपके लिए, यही कलर सोचा था, हाँ पर्पल वाला, मुझे बहुत कूल अच्छा लगा। इसकी कमीज बनवाने का दिल चाह रहा है मुझे, मगर नहीं फिर इसको एक स्पेशल ही होना चाहिए। True. कभी बकरे की आवाज निकालो नबिया, घोड़े की आवाज निकाल दो, नबिया बकरे की आवाज निकालो ना प्लीज। क्यूटस। चले जी गाइस, नाउ टाइम टू गो टू स्लीप। कराची आने का बेस्ट पार्ट पता क्या होता है? अनपेड लेबर डूइंग स्टफ फॉर यू। चलो शाबाश, अच्छे से नाइट सूट निकालो, सो जाओ। उठ इफ्तारी से पहले ही उठोगी, कोई फायदा तो होता नहीं कोई रोजे का। और इन मैडम का सुबह रिजल्ट है फाइनल एग्जाम्स का, और इसने घर पे किसी को नहीं बताया, छुपाया हुआ है सबसे। मम्मा नहीं देखती मेरे ब्लॉग्स, जब पोस्ट होगा तब आ चुका होगा। हाँ एग्जैक्टली, माने ना मैं तब अपने रिजल्ट पे डिसाइड करूंगी पापा क्या। नहीं मैं बस नहीं चाहती कि टीचर्स के सामने मेरा रिजल्ट देखें। बस देखें, बेला इतनी जेलस होती है, उसको देखें कैसे देख रही, प्यार होता है वो। अरे खुल के ये सामने ब्लू और वाइट वाला जो पड़ा हुआ है ना, ये गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठने का पहला नजारा है, जो मम्मा ने कल कटलेट शुरू किए थे वो आज खत्म हो रहे हैं। प्याज मुझे किसी ने कहा था मम्मा मैं अभी ला के देती हूं, जहाज से उतरी और आपने बोला हरी प्याज ला दो, ऐसे थोड़ी होता है, दीप से ही लानी थी। भाई ये मम्मा के स्पेशल कटलेट्स हैं, ये तो भाई प्रेशर मार रहे हैं। क्यों प्रेशर मार रहे हैं? क्या प्रेशर मार रहे हैं? तो राय भी जाहिर सी बात है फ्रीजर में रखे हैं, कैन तो फट ही जाएंगे ना। फट जाएगा, फट जाता है, अभी पता नहीं फटा है, फट गया होगा। हाँ फट गए, अब स्लशी पियेंगे हम उसको काट के। मुझे क्यों देख रही, नबिया ने रखे थे आपको इसलिए देखे कि उसे समझाना था। मम्मा आपको पता नहीं किसकी डांट किसको डांटनी होती है, थोड़ी कंफ्यूज चल रही हूँ। ये कॉटेज चीज है, आलू उबले हुए हैं, हरी प्याज है, उबले हरी प्याज, ये अंजीर भी जाएगी। अंजीर तो मैंने अपने लिए निकाली, फ्रीजर में पड़ी हुई थी, मैं कब से लाई, मैं लाई थी आपके लिए फ्रेश अंजीर। अंजीर नहीं, वो नहीं, मैं ड्राई बॉम्बे से लाई। अच्छा ड्राई है, तो ये भी तो है शिमला हरी प्याज। वो चाउमिन में से जो बचा था, ये मेरी वो है ना चेरी डेजर्ट जो वहाँ से स्वाद से रखा हुआ है आपने, डेजर्ट क्या क्या निकल रहा है फ्रीजर से, ये क्या है? चना, चने, आपने चना चाट की रेसिपी दे दी थी जी, दे दी थी। और आज मैं आपके लिए चना के चीज समोसे बना रही हूँ, वन बाइट।
हो सकता है वन बाइट ना बने, वो पट्टी नहीं है। आई लव चने चीज समोसे। रायबी आपकी वीडियो बहुत मशहूर हुई है, सारे कमेंट्स तो आपके ही थे कि रायबी कितने क्यूट है, कितने फनी है, कितने अच्छे हैं। आप भी शुरू कर दें यूट्यूबिंग। माफ कर दो, चैनल ही बंद हो जाएगी मुझे। नहीं आप, मैं कहा चलो भाई मैं कर लेती हूँ तो मैं फॉलो। पर ऐसे ऐसे टिकटॉक लगा रहे, कहीं इसका मुंह नहीं नजर आ रहा, कहीं गाड़ी की छत नजर आ रही है। अनिया नहीं करो प्लीज, हमारे बेचारी को इतना मजा आ रहा है खा खा के। कॉटेज चीज कहाँ थी बेली, खा ली? अच्छा और नहीं, पहले मैंने कहा था एक और, एक आ, इसे दूसरी चीज दे दो, एक चेडर दे दो, चेडर दे दो। कॉटेज अच्छी होती है इनके लिए, एक थोड़ी बड़ी दे देना फाइनली। वो भी आ गया भूखा, नहीं मोटा भूखा, उसको खानी भी नहीं, वो बहुत नखरेबाज है। BTS कटलेस, कटलेस रेसिपी कमिंग सून, कॉटेज एंड कॉर्न कटलेट्स। अंजो देखिए आप कितनी स्पेशल है, जब से रमजान आया तब से मम्मा आपकी। वो तो मैं हूँ मम्मा, ये आपको बेसिकली ताना मारना चाह रही है कि मैंने काम नहीं किया। झूठी नहीं, ताना मारने वाली कोई बात नहीं है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, डे टू इन कराची एंड इट हैज़ ऑलरेडी बिन सो फुलफिलिंग अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है अली आ रहा है एंड नोबडी हैज़ एनी आइडिया। कल इन सब लोगों को लग रहा था कि अली आएगा और इन लोगों ने जाना लाइक बहुत तैयारियाँ शेयरिंग की हुई थी, बट दिस इज़ इवन बेटर बिकॉज दे आर सो डिसअपॉइंटेड कि ये कहते अली नहीं आया, और हमें तो इतनी उम्मीद थी कि अली आएगा एंड वट नॉट। तो खैर इट्स गोना बी फन। और मुझे जो है आज मम्मा के साथ पार्लर भी जाना है बिकॉज आई नीड टू गेट अ फेशियल, और मुझे आज तक जो है कोई भी फेशियल इतना नहीं अच्छा लगा और इतना नहीं सूट किया जितना मुझे यू नो अपने पार्लर का करता है। नॉर्मली गेट ए गिनो और अ बॉडी शॉप का, साथ में जो है मुझे थोड़े से अपने आईब्रोज भी सेट करवाने हैं। सोच रही हूँ मैनी पेडी भी करा लूँ, भाई अपना पार्लर है जो कराना है कराएं। तो अभी फ़िलहाल तो आई एम गोइंग टू स्टडी टिल इफ्तार, और फिर इफ्तार के बाद देखते हैं क्या करना है। अली जो है वो 12 बजे लैंड करेगा। बाई नाउ इट्स टाइम टू स्टडी, इन मैडम की भी CIEs होने वाले हैं तो ये भी पढ़ रही हैं, और मेरी भी पढ़ाई जो है जोरों पे है। एंड मी एंड नबीहा आर iPad buddies। अंदर बस कितने कवर थे? दो। एक मुझे जी नहीं, एक लाल भी तो था, वो बस रेड कलर था, वो पता नहीं कहाँ गया, उसमें पेंसिल का वो नहीं था होल्डर। ओह नहीं, तो नहीं पाई पेंसिल। यू गाइस वांट दिस? आई विल गेट यू वन फ्रॉम UK। We'll get it together. I'm coming too. Okay. चलें जी इफ्तारी टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम मम्मा ने जो कटलेस बनाया वो भी तो लाओ। मैंने बोला कि मम्मा पता नहीं क्या पास्ता नॉकी टाइप कुछ बना रही हैं, कॉकरोच के दवाई बना रही हैं। मम्मा मैंने आपका जो हैंड वॉश था ना फोमिंग वाला वो रीफिल कर दिया। नया पड़ा हुआ नीचे? नहीं मैंने वही रीफिल कर दिया सस्ते में। कैसे? क्योंकि जो फोमिंग हैंड वॉश का बॉटल होती है ना वो बॉटल में साइंस होती है उसकी, हैंड वॉश नहीं। तो मैंने उसमें नॉर्मल लिक्विड से भर के पानी भरा, वो भर गया। कमाल है, थैंक यू। एक नई बोतल पड़ी है, बचा के रखे। ट्रांपे मिल गई, आज मैं इतनी ट्रांपे बनाऊंगी आपके लिए। हाँ कि आप आइंदा चांपे नहीं मांगोगे, फिर अली को भेज भेज के जेलस करेंगे। सही है ना? सही है ना? अम्मा बहुत ही नाराज़ हो गई है भाई अली से। भाई मम्मा मेरे लिए अपनी फेवरेट चांपे बना रही हैं, और वो खुद पार्लर गई हुई हैं तो वो चांपे चढ़ा के गई थी बॉयल होने के लिए, और मुझे बहुत नींद आ रही थी। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी, आई हैव बीन स्लीपिंग टू मच टुडे आई थिंक। वो यू नो सारी एकदम से थकावट तर रही है, बिस्किट भी जो है वो सोने नहीं देता वन गो में, तो वो एकदम से साथ ही निकल गई सारी। तो खैर एज ऑलवेज उबलने के लिए जो है वो चढ़ी हुई थी चाम पे एंड गैस चली गई, सो इंडक्शन चूल्हा टू द रेस्क्यू। कराची आने का असल रीजन मेरा चाम पे आपकी बनी हुई चाम पे।
हाँ नहीं, लेकिन मम्मा के हाथ की चाँप पे तो सिर्फ यही है ना। और ये देखें भूखे दोनों, क्या है क्या है बेले के बेले। गाइस ये मम्मा जो है अंदर नमाज पढ़ रही हैं, एंड पॉपी एंड बेला नो के कभी भी जो है जहाँ नमाज पे नहीं जाना, ये जहाँ नमाज पढ़ी जा रही हो वहाँ नहीं जाना। सो दे आर वेटिंग पेशेंटली आउटसाइड, सच ओबीडियंट डॉगोश। पापू हेलो जी जी, क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा जी, गुड गर्ल। डे 3 इन कराची। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और मैं और मम्मा जा रहे हैं बोरी बाज़ार। मुझे एक सूटकेस लेना था अच्छा सा, तो मम्मा ने बोला वो बोरी बाज़ार में बहुत अच्छा मिलता है, और मम्मा को बोरी बाज़ार की आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी और दिखाना था, बिकॉज शी लव्स शोइंग यू गाइज यू नो लोकल मार्केट्स। जैसे उन्होंने लिबर्टी की बनाई थी, और वो प्लीज़ एक्सक्यूज द टीवी ब्लास्टिंग इन द बैकग्राउंड। डैडी जब तक इस आवाज़ में टीवी ना देखना उनको सुकून नहीं आता। तो खैर वो अभी नाश्ता करने गए हैं, और जिस तरह से टीवी चला के गए हैं, और वो सो भी जाते हैं इतनी आवाज़ है। तो आई एम एक्साइटेड बिकॉज इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू बोरी बाज़ार। तो अच्छा सा सूटकेस मिल जाए। ज़ारा जो है, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने अपना सूटकेस वहाँ से लिया था इटली जाने से पहले, एंड शी सेड बहुत अच्छी क्वालिटी थी और बहुत रीजनेबल था। सो लेट्स सी। ऑल्सो अली की जो फ्लाइट है वो कल बारिश की वजह से कैंसिल हो गई थी, तो अब ही इज जस्ट गॉटन ऑन हिज प्लेन फॉर द 4 PM फ्लाइट, एंड ही इज़ कमिंग। ही लैंड हेयर एट 6, और प्रॉब्ली इफ्तार तक वो घर पहुँचेगा। सो इट्स गोना बी फन। वो करीम लेके आएगा, आई एम नॉट गोना गो पिक हिम बिकॉज फिर भांडा फूट जाएगा। तो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। होपफुली मैं मम्मा इफ्तार तक वापस आ जाए, टू इवन फिटनेस दैट, बिकॉज अभी 4 बज चुके हैं। मम्मा को बोले हम नहीं आ सकेंगे वापस इफ्तार तक, बिकॉज बोरी बाज़ार थोड़ा दूर है और वहाँ पर थोड़ा रश ज़्यादा होता है, बट मम्मा इज़ क्वाइट श्योर कि हम आ जाएंगे। सो लेट्स सी। हाय हाय पापू, ये लो पापी भूखा, सब भूखे हैं। ये लो पे रिस्पॉन्ड करते हैं, वैसे नहीं करते। ये लो पापी, ये लो। पॉपी का फेवरेट काम है यहाँ बैठ के कव्वे देखना और कव्वों को सुनना। हम क्या करने जा रहे हैं? हम जा रहे हैं गर्ल, आपने मेरी बेटी जिसको शादी पे मैंने इतने बक्से दिए थे पंत रोड के, अब वो कह रही है मम्मा मुझे बक्सा दिलाएं। नहीं मम्मा, मुझे वो बक्से बहुत अच्छे हैं, आपको पता है मैं वही यूज़ करती हूँ, बट लाइक मुझे यू नो ट्रैवलिंग के लिए एक स्पेसिफिक अच्छा सा बक्सा चाहिए। मैंने वहाँ से लिए थे, वो तो इतने फजूल निकले, एक टूट गया, एक में यूके वाले ना, ठीक है मैं एक्स वाले, एक में डेंट पड़ गया और एक टूट क्रैक हो गया। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स उनके पास रखे होते हैं, बट ऐसे ही। या और ज़ारा बोल रही है कि जब से वो गई है तब से वो वही सूटकेस चला रही है, उसको मजा रहा है। ज़ारा भी कुछ हुआ उससे दुकान नंबर पूछ लो, वहीं चले जाते हैं। पूछती हूँ मैं अभी, देखो वहाँ क्या टाइम हुआ है। ओके, तो घड़ी की बैटरी खत्म हो गई। ओके अच्छा, तो हम मैंने अभी भी ज़ारा से पूछा है कि उसने कहाँ से लिया था, एंड टर्न्स आउट कि उसने ज़ैनब मार्केट के सामने से लिया था। तो अब हम लोग ज़ैनब मार्केट जा रहे हैं, और मम्मा आप लोगों को ज़ैनब मार्केट का टूर कराएंगे इंस्टेड ऑफ बोरी बाज़ार। आई वॉज लिटल एक्साइटेड फॉर बोरी बाज़ार। चलो बोरी बाज़ार ही चलते हैं। नहीं बट बक्सा यहाँ से ज़ैनब मार्केट रास्ते में ही आते हैं। बोरी बाज़ार इज़ मोर इंटरेस्टिंग। देर हो जाएगी, पता क्या मैं आपको बताती हूँ, ज़ैनब मार्केट में लोगों के इंटरेस्ट की उस तरह से चीज़ें नहीं है, बिकॉज कपड़ा 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 वहाँ पे जरा बड़ी वैरायटी मिलेगी। बक्सों की दुकानें हैं, खाना पीना है, बच्चों के कपड़े परांठे बाजार बहुत है अंदर मार्केट में, तो चलना ज्यादा पड़ेगा ना। नहीं पार्किंग अगर अच्छी मिल गई, 4:20 और 4:30 हो गए, 4:30 तो बहुत टाइम है, हम नहीं पहुँचेंगे इफ्तार वापस। भाई हम सूटकेस लेके रिक्शे में बैठ गए क्योंकि मम्मा को बोरी बाजार जाना है। झूठी इसने कहा था, मुझे बहुत शौक है बोरी बाजार देखने का, मैंने कहा चलो चलते हैं। मम्मा मुझे सूटकेस लेना था, तो सूटकेस तो ले लिया ना। तो फिर आगे तो आप जा रही हैं, तो हमने तो ज़ैनब मार्केट जाना था, आपने कहा नहीं लेकिन मुझे बोरी बाजार देखना है। है हम कहाँ हैं अभी? हम अभी बस सदर के मेन वो जो ज़ैनब मार्केट वाला रोड है ना, उसको क्या कहते हैं कौन सा रोड है? रिम सेंटर, करीम सेंटर। ये करीम सेंटर पे अभी हम हैं इस वक्त, और आगे से ये बन भी है इधर, अगली रोड से हम राइट मुड़ेंगे तो बोरी बाजार। राइट मुड़ेंगे यहाँ से, यहाँ से राइट।
बहुत बुरा है, आपको रास्ते नहीं आते। नहीं भाई इतना वो देखो जब गड्ढा लगा हुआ है भाई। ये हमारा सूटकेस आ गया है और अभी अच्छा अभी 6:10 हो रहे हैं, 20 मिनट्स का रास्ता है तो हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे। जी, जी, टाइम पे पहुंच जाएंगे। पूरा बोरी बाजार घुमा दिया आपने माशाल्लाह से अपने प्रिस्क्राइबर को। हाँ उन्हें अच्छा लगता है जब मैं नई नई जगहों पे लेके जाती हूँ ना, सो दे रियली एंजॉय डिस्कवरीज। और ये जो रश है माशाल्लाह से बस शारे फैसल तक, आई थिंक थोड़ा क्लियर मिलेगा हमें इंशाल्लाह। ये पैच निकल जाए हमें राइट मुड़ना है और फिर शारे फैसल। आपको बोरी बाजार अच्छा लगा? व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन? हाँ मैंने देखा हुआ था वीडियो शीडियोज में तो वैसा ही था जैसा। हाँ लेकिन यहाँ पे एक शुरू में मुझे याद है मैं पहले बहुत आती थी, बक्से भी यहीं से लेती थी मैं। बोरी बाजार में काशिफ की दुकान थी बक्सों की, तो वी यूज्ड टू डू एग्जीबिशंस टुगेदर, तो उससे हमेशा बक्से लेती थी, मुझे अच्छा डिस्काउंट भी देता था। और दूसरा ये कि ब्लाउज की एक दुकान थी कोने में, बिल्कुल जाते ही उस गली में एंटर होते हुए पेटीकोट ब्लाउज हर तरह के, और वहाँ से मैं सारे ब्लाउज और पेटीकोट लेती थी। यू नो हाउ मच आई लाइक सारीज, और शुरू में सारीज वाले कैरेक्टर्स भी बहुत करती थी मैं। यस yes. तो वहाँ से लेती थी। अब तो वो खैर हर जगह खुल गया, तारिक रोड पे भी है, एट्रियम आता भी है कोई, अब ऐसे भरा हुआ तो लग रहा है। हाँ होगा, उनका फूड कोर्ट फुल होगा इस वक्त, याद है आपको अनिया? हाँ जब डॉल में जमीन पे बैठ के इफ्तार की थी रमजान में। गाइस जब हम लोग घर बना रहे थे और घर का इंटीरियर कर रहे थे तो एक एक पल अनिया मेरे साथ थी। फिर हमने फर्नीचर लेना था तो वो डॉलमेन में एक शॉप थी सलमीज की, तो वहां से हमने अपने ड्राइंग रूम का और बेडरूम का जो मास्टर बेड है उसका फर्नीचर हमने कहा वहां से लेते हैं। तो मुझे याद है, इज इट शट? आई टेक इट फ्रॉम हियर, इट इज शट। आई थिंक वो हमारी की सिक्योरिटी की वजह से। अच्छा तो हम लोगों ने क्या किया वहाँ से, क्योंकि हम सुपर एक्साइटेड थे, फिर हम अफगान कारपेट चले गए, वहाँ से कारपेट ले रहे हैं और चूज़ कर रहे हैं, उसका अपना ही एक मज़ा था। मैं वो एक्साइटमेंट कभी भी नहीं भूल सकती, हालांकि मैंने बहुत घर शिफ्ट किए हैं। कभी हम काफ़ी अरसा तो हम पिछले वाले घर में थे, बट दिस वॉज आर फॉरएवर होम ना। या दिस वॉज आर फॉरएवर होम, तो इंशाल्लाह एंड माशाल्लाह। तो उसके बाद रमजान था मुझे याद है, और इफ्तार का टाइम हुआ तो हमने कहा चलो फूड कोर्ट चलते हैं। जब हमने टॉप एंगल फूड कोर्ट का देखा तो लग रहा था कि वहां पे डॉट 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 इतने लोग थे। फिर हमने किसी तरह से इफ्तार ली और सीढ़ियों में बैठ के की हमने इफ्तार, क्योंकि हमें इफ्तारी के बाद जब स्टोर्स दोबारा खुलने थे तो हमें कुछ और चीजें चूज करके लेनी थी, तो काम हमारा खत्म नहीं हुआ था। इट वाज वेरी फन। यस इट वाज। फिर हम और कहां कहां गए थे हम लोगों ने? बाकी फर्नीचर तो फिर वहां से लिया था ना, जो कौन सा इटालियन वाला था। हाँ, बहुत स्टाइल एंड कॉन्सेप्ट, स्टाइल एंड कंफर्ट, कंफर्ट। हाँ, नो डिडंट हैव गुड एक्सपीरियंस। ये मेरा डमास्कस आ गया है, ठीक है ना, वेरी नाइस। और इफ्तार पे ईमान को सबसे ज्यादा रोजा लग रहा है, पहले ही बैठ गई अभी अभी लिटरली कोई 10 मिनट से भी कम है, 10 मिनट है, अबाउट 10 मिनट। भाई नबिया दैट इज, हम बोरी बाजार से लेके आए हैं खट्टे आलू पापड़ी, ग्लास पूरे नहीं है भाई। स्पेशल शरबत होते हैं, पाइनएप्पल वाला मुझे भी चाहिए, और मम्मा का है, मैंने इसलिए इतना सही लिया। बर्फ, और ये फेमस स्पेशल चना चाट, फ्रूट चाट। मम्मा भी आ गए, आ जाए प्लीज। जी राय भाई बैठे तो नहीं बोले कि गाइस सरप्राइज फेल होते होते रह गया था, बट सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल हो गया, मुझे ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल बस भांडा फूटने वाला है। ओए भाई बस अभी केक भी खाएं। गुलाब जामुन दो उसको। क्यों यार बोरी वाला है ना, मुझे बोरी वाली चीजें बड़ी अच्छी लगती है। और हबस्टर्स प्लीज, किसी बोरी मुस्लिम की शादी हो रही है तो प्लीज मुझे बताए, हमारे घर की रौनक आ गई है माशाल्लाह। मुझे बोरी शादी अटेंड करनी है, मुझे उनका खाना, हमारे घर की रौनक आ गई है। शादी किसी बोल रही है तो बताए
गाइस तबिया की करा देते हैं, कोई बोरी लड़का रिश्ते के लिए अप्लाई करे यार। खाना खाने के लिए मैं आ जाऊंगा। क्या मतलब खाना खाने के लिए आप आएंगे? मेरी शादी हो रही है तो आप हर चीज के लिए आएंगे? नहीं, मैं सिर्फ खाना खाने आऊंगा, बोलूंगा टाटा बाय बाय। ये मैंने सूटकेस लिया ज़ैना मार्केट के सामने वाली जो शॉप थी उधर से, और ये This is what it looks like. ये IT लगेज का है apparently, original, I don't know if it is. But हाँ, IT जो भी ये है, ठीक है। और ये मम्मा ने लिया, इसके अंदर एक और कैबिन बैग है छोटा सा। ये 3-piece का सेट जो है ये हमें 40,000 का मिला है, जिसमें एक एक्स्ट्रा लार्ज है, एक लार्ज है, एक स्मॉल। नहीं बहुत तेज है, उसके रिफ्लेक्स तेज है, काट लो। और ये पॉपी जो है मसाज करा रहे हैं अली को, जैसे कि हाथ नहीं आता। अली को बड़ा दिल चाहता है कि वो अग्रेसिवली प्यार करे, वो बिक्की को कर नहीं सकता, बिक्की करवाता नहीं है। मुझे लगता है कि जो खोपड़ी है ना वो है ही इतनी इतनी छोटी है, पॉपी है। गाइस दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, क्लियरली व्लॉगिंग इज नॉट फॉर मी। Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And नहीं गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात पे बात करेंगे, और आप लोग नोटिस कर रहे होंगे मुझे ग्लासेस लग गए हैं, क्योंकि आई एम सब्स्टिट्यूटिंग फॉर दिस वन राइट हियर हु स्लीपिंग 24/7। तो मुझे इनका कैमरा मिल गया है, और आज हम लोग घर में सबको तंग करने के लिए जा रहे हैं, और हम सबको बोलेंगे कि मैंने YouTube स्टार्ट कर दिया, ताकि उनको हम ये प्रैंक कर रहे हैं। सबसे पहले हम ईमान से जाते हैं। ईमान हमारी सबसे छोटी घर की बेटी है, और उसको टर्किश और कोरियन ड्रामों के अलावा कोई और काम नहीं आता। फिर हम आते हैं अपने मीन और रूड से भाई की तरफ, जिनको दूसरों की बेइज्जती करने के अलावा कुछ नहीं आता। आई लव डूइंग दिस, आई लव पिसिंग पीपल ऑफ, एंड आई लव लव टीजिंग देम। अब हम जा रहे हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे व्लॉग का फर्स्ट डे है। मेरे भाई ने बोला है कि मुझे भी व्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए, और आए हम अब मम्मा से मिलते हैं। मम्मा क्या कहना है आपकी कि मैंने व्लॉग शुरू कर दिया? आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। फ्रेमिंग अपनी सही रखो, ताकि लोगों को सही चीज़ नज़र आए, एंड बेस्ट ऑफ लक। That was my mommy. अगर आप लोग को लगता है कि मुझे व्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए, अब हम जाएंगे राहिब भाई से कुछ गपशप करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम राहिब भाई, क्या हाल है? क्या बन रहा है? टी बना रहा हूँ आपके लिए। ओह वाओ, टी बना रहे हैं भाई। और क्या लगता है आपको कि क्या कोई ऐसी चीज है जो स्पेशल चाय के लिए होनी चाहिए? स्पेशल चाय बनाने के लिए स्पेशल के लिए तो आप दालचीनी थोड़ी सी डाल दें, बहुत अच्छी बनेगी चाय। उसके अंदर जो मसाला, आपने तो पानी के अंदर डूब डाल दिया। हाँ, पत्ती डाली, पत्ती के अंदर देना, पानी डाल, पानी थोड़ी पत्ती डाली, फिर दूध डाल दिए, अभी चाय बनेगी, बहुत अच्छी चाय बन जाएगी। अभी तारीख के लिए हमने किए, अभी जो है हम चाय पियेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग चिल करेंगे। चिल करेंगे, यही टाइम होता है चिल करने का। बिल्कुल। तो गाइस, मैं आप लोग को अपनी अचीवमेंट्स और अपने अवार्ड्स दिखाना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मैंने कभी गुरूर नहीं किया इस बारे में, लेकिन अल्लाह का दिया है, और ये देख रहे हैं आप भी पूरा रैक अल्लाह के फजल से मैंने हासिल किया है। और हम पूरा घर घूम कर आ चुके हैं, हम लोगों ने लोगों से उनकी जिंदगियों के बारे में भी पूछ लिया है, लेकिन इन मैडम की नींदें ही नहीं ख़त्म होती। उठ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा आपको मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है? ओ गाइस, मेरे पास बहुत अच्छा कंटेंट है, चले मिल सकते। ओके गाइस, वी आर गोइंग टू सिंग, एंड मुझे पता है मैं आप लोग के लिए कर रही हूँ, एंजल के फैंस के लिए कर रही हूँ, एंड आई फील लाइक
नो कभी कभार ऐसा होता है कि मैं गाऊँ, मेरा आप लोग के लिए गाने का बहुत इंतजार है, तो हम और जब भी मैं गाऊँगी मैं तेरे से गाऊँगी। आई एम सॉरी अगर आप डिसअपॉइंट होने वाले हैं। वीडियो का और वो है मेरा सॉफ्ट मेकअप लुक, कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे तैयार होना हो तो मैं क्या करूँ। एंड यू नो आई फील लाइक अभी तो मेरे बाल बहुत वियर्ड हो रहे हैं, इतनी गर्मी है। एंड आई वेंट टू कॉलेज टुडे, आई एम गोना टेक अ शावर, बट या सो आई एम गोना डू दिस। तो सबसे पहले व्हाट आई डू इज आई डोंट डू एनीथिंग एक्चुअली, इट्स लाइक माई नेचुरल ब्यूटी माशाल्लाह से। But what I do is like I just use unjust things. मैंने सो एक ही उसमें मेरे ख्याल से सभी हो जाएगा मेरा कवर, जो कि मैं रोज़ का नहीं है, बट अगर कोई दावत भी होती है तो मैं यही करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। भारी मेकअप आई डू फॉर वेडिंग्स एंड ईद के लिए वगैरह। आई जस्ट टेक कंसीलर और मैं अपने डार्क सर्कल्स को कवर करती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं। बिकॉज आई डोंट स्लीप, आई एम स्टडिंग पूरी रात, और एग्ज़ाम सीजन में तो ये बनता है ना। एंड आई डू द कोल्ड गर्ल मेथड, दैट इज आई अप्लाई टिंट ऑन माई चीक्स। ज़्यादा नहीं लग गया ये, एंड सम ऑन माय आईज, एंड देन ऑन माय लिप्स। एंड आई फील लाइक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो लैशेज हैं वो नेचुरली ही इतनी बड़ी हैं, तो मुझे वैसे इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, बट मैं हमें ये करती हूँ कि मैं अपना मस्कारा ज़रूर लगाती हूँ, तो मैं लेकर आई ये मस्कारा, मुझे मेरी बहन ने दिया था और आई जस्ट लव इट। लाइक इसमें जो आपका वॉल्यूम आता है ना, अभी भी आप देख रहे हैं मस्कारा के बगैर ही इतने वो हैं मैं। लव इट एंड लिटरली लाइक मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं, बट दिस इज ऑल आई डू, मैंने गेट अ हेयर कट टुडे, दिस इज ऑल आई डू फॉर माय मेथड। यूज अनजस्ट परफ्यूम टू, समटाइम्स आई लाइक टू पिन माय हेयर एंड दे लुक क्यूट, आई डू दिस टुडे। ओके गाइस, so this was all for your what am I saying, this was all for a short, for 10 minutes with me, this was all for 10 minutes with me in my daily life, and I hope you enjoyed, and I really really liked vlogging, and I feel like aap log bataye ki mujhe papers ke baad start karni chahiye ya nahi। Hello Fazia, and until next time, और हम पूरा व्लॉग कर कर आ गए, अभी तक वो सो रही हैं। और मम्मा मुझे आपको एक बात बतानी है, आपके साथ प्रैंक हुआ है, ये मेरा चैनल नहीं है, मैं अंजा के लिए व्लॉग कर रही हूँ। अच्छा।
मेरा परफ्यूम लगाया आपने? अंजा का लगाया, मैडमोज़ेल लगा के आई हो गाइस। और इसके साथ आप देख सकते हैं मेरे घर में कितनी इज्जत होती है। आई एम द मोस्ट लव्ड चाइल्ड। यू आर द मोस्ट लव्ड चाइल्ड। आई एम, यू आर माय फेवरेट आफ्टर इमान, बट शी इज माय फेवरेट एंड आई एम लाइक ओपन अबाउट इट। आई एम ऑनेस्ट, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। नबी कितना ज्यादा लगाया आपने थोप थोप के ना सर। मैं बोल रही हूँ शी इज माई बेस्ट फ्रेंड का अपनी परफ्यूम की पड़ी हुई है। ओके गाइज, यू कैन सी कि मेरा ये जो मेकअप है ना इसके ऊपर जरूर एक सेटिंग स्प्रे जरूर लगाएगा ताकि ये सेटिंग स्प्रे फुट रहे। मेरे आप ही ने दिया था आपकी शादी से पहले, मैंने नहीं लगाया अभी वैसे, लेकिन आप देख सकते हैं मेरी आंखें कितनी ग्लो कर रही है। सिर्फ मैंने थोड़ा मस्कारा, कोल्ड ग्लर लुक और थोड़ा कंसीलर लगाया। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। मेरे लिए दुआ कीजिएगा ज़रूर और शीर खोरमा भिजवा दीजिएगा। प्लीज एक्सक्यूज नबीहा ने जो पिछली वीडियो तो पता ही नहीं था बकवास की है इतनी, इसने मुझे कसम दी है कि मैं वो ब्लॉग में डालूं क्योंकि अपेरेंटली उसकी बड़ी फैन बेस है यूट्यूब पे, ठीक है ना। और माशाल्लाह 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 हमारे घर की रौनक आ गई है और अब अहमद भाई भी आने वाले हैं तो हम जरा जा रहे हैं पार्लर फॉर आर मच अवेटेड फेशियल मेनी पेडी तक। और तब तक भाई फेशियल एक दो दिन बाद ही जाके अच्छा लगता है और फिर उसके बाद जो है हम लोग वापस आएंगे। फिर अहमद भाई आए होंगे और आज सहरी के लिए क्यों पढ़ने के लिए और फिर सहरी के लिए भी प्रॉबेबली हमारे गेस्ट बस आ रहे हैं। सो इट्स गोना बी अ फन वेरी फन पैक डे और ब्लॉग बहुत लंबा हो गया। मैंने बोला चले एक ही ब्लॉग में पूरा कराची का ट्रिप कवर कर लेते हैं। प्लीज हम लोग आ गए हैं पार्लर और सही रौनक लगी हुई है चांद रात की। ये देखें, लुक एट द फेरी लाइट्स एंड द मेहंदी भाई मेरा फेशियल हो गया है एंड आई फील सो रिलैक्स्ड। मेरी स्किन इतनी फ्रेश फील कर रही है, ये देखें ज़रा। आई डोंट थिंक माय स्किन हैज़ एवर फेल्ट दिस फ्रेश इन अ वेरी लॉन्ग 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 टाइम। मैंने गिनो का हाइड्राड्रम भी फेशियल कराया और अभी मुझे दो तीन और चीज़ें करानी थी बट 2 बज गए और मम्मा ने 3 बजे सहरी पर बुलाया हुआ है सब लोगों को, तो हमें घर जाना पड़ेगा फॉर दैट एंड आई कैन कम बैक टुमारो सिंस कल ईद नहीं है, अब कल चांद रात है। बट इतना अच्छा मसाज, इतना अच्छा फेशियल, लग रहा है मैं रिन्यू हो गई हूँ। तो चलिए जी हम लोग चलते हैं घर की तरफ और आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।